रंगरा प्रखंड कार्यालय में विस्थापितों ने पुनर्वास की मांग को लेकर दिया धरना। रंगरा प्रखंड मुख्यालय में लोजपा सेक्युलर पार्टी के बैनर तले शुक्रवार को विस्थापितों ने पुनर्वास की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया। धरना सभा में जहांगीरपुर वैसी, कोसकीपुर सोहरा, सधवा चापर, मंदरौनी वैसी, भवानीपुर, मुरली, रंगरा, तिनटंगा दियारा उत्तर और तिनटंगा दियारा दक्षिण के विस्थापित परिवार मौजूद थे। सभा को कई वक्ताओं ने संबोधित किया। धरना के बाद एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रखंड विकास पदाधिकारी रंगरा चौक से मिलकर एक ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन में मांग किया गया है कि सभी भूमिहीनों को बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में गठित आयोग के रिपोर्ट के आलोक में 10-10 डिसमिल जमीन और घर का आवंटन किया जाए। इस अवसर पर लोजपा सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष उमेश शर्मा, दलित पौनिया मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह पर्चाधारी, रिंकू पासवान, बम दास समेत कई लोग मौजूद थे। खबर 30 सेकंड के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। थाने विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सर्दियाँ इलाज माला पहनते हैं गैस्ट्रिक, ब्लड प्रेशर, गठिया, पाइल्स सहित सैकड़ों बीमारी से पाए निजात। होगा सफल इलाज नहीं तो पैसे वापस। मात्र 72 घंटे में असर शुरू। कीमत मात्र 2100 रुपए। फोन कर अभी ऑर्डर करें, घर बैठे प्राप्त करें। संपर्क सूत्र 9031560165, 9431884830। रंगरा में प्रवेश उत्सव की सफलता को लेकर की गई बैठक। रंगरा BRC में 8 मार्च से 20 मार्च तक चलने वाले प्रवेश उत्सव की तैयारी के लिए शुक्रवार को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार झा के नेतृत्व में बैठक किया गया। बैठक में सभी प्रधानाध्यापकों, CRCC और प्रखंड साधन सेवी मौजूद थे। मौके पर शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार झा ने कहा कि प्रवेश उत्सव का मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्कूल लाना है जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं। शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि 6 से 8 तक के बच्चे को स्कूल लाने के लिए सभी प्रधानाध्यापक, जीविका दीदियों, टोला सेवक और तालमी मरकज के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रणनीति तैयार करें। शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे, प्रवेश उत्सव अभियान का यही उद्देश्य है। बैठक में वरीय साधन सेवी मुकेश मंडल, पवन सिंह, मुरारी कुमार मिश्र, मोहम्मद वाजिद, गौरी प्रसाद सिंह, नरेंद्र कुमार, प्रवीण प्रभाकर, प्रभात कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। इधर प्रवेश उत्सव की सफलता के लिए रंगरा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने भी संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिया है। रंगरा थाना अध्यक्ष बने जनवरी फरवरी माह के बेस्ट थानाध्यक्ष। नवगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज ने रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खां को जनवरी फरवरी का सबसे बेहतरीन थानाध्यक्ष का रिवार्ड दिया है। SP नवगछिया ने जानकारी देते हुए कहा कि रंगरा थाना गिरफ्तारी मामले के निष्पादन और क्राइम कंट्रोल में ओवरऑल नंबर 1 रहा। इधर रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खां ने कहा कि वे सेवा भाव से बेहतर कार्य करने का प्रयास करते हैं और आगे भी करेंगे। अपराध नियंत्रण उनकी पहली प्राथमिकता है। रंगरा PHC में 110 लोगों को दिया गया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। रंगरा PHC में शुक्रवार को 110 लोगों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया है। जानकारी देते हुए रंगरा PHC के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन ने कहा कि विगत 5 दिनों से कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्करों को दिया जा रहा है। किसी भी तरह की शिकायत नहीं है, जिससे कहा जा सकता है कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। आज की खबर में बस इतना ही। धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हैं तो GS न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।
अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।